फाइनली गाइज आज की वीडियो में अगली बात करने वाला हूँ Vivo Y02 मोबाइल के बारे में। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप इसमें डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट लॉक को कैसे ऐड करेंगे। जय दोस्तों, अगर आप इस मोबाइल में अपने डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना तो एकदम सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। तो कैसे लगाना होगा चलिए इस वीडियो में बता देता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो गाइज को करने के लिए हमें अपने मोबाइल के सेटिंग में आना होगा। तो मैं जाता हूँ अपने मोबाइल के सेटिंग में। सेटिंग में आएंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिलता है। अगर आपको नहीं मिल रहा आप यहाँ से ऊपर देखेंगे सिक्योर योर फोन, इस पर क्लिक करके यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो मैं फिलहाल इस पर आ गया हूँ। अब इस पर डायरेक्ट आने के बाद आप यहाँ से कोई भी लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं। मुझे इस पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है तो हमें इसके लिए इस पर ही आना पड़ेगा। तो मैं सिक्योरिटी पर आ जाता हूँ। अब सिक्योरिटी पर आएंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको ऊपर मिलेगा सिक्योरिटी स्टेटस मिलेगा, डिवाइस सिक्योरिटी मिलेगा एंड आपको बहुत से सेटिंग्स मिलते हैं। आपको डिवाइस सिक्योरिटी पर मिलेगा, स्क्रीन लॉक मिलेगा, फिंगरप्रिंट मिलेगा, फेस मिलेगा, स्मार्ट लॉक मिलेगा। तो हमें एक बार फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है तो हम फिंगरप्रिंट लॉक पर क्लिक कर देते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे तीन तरीके से लगा सकते हैं, फिंगरप्रिंट प्लस पैटर्न को लगा सकते हैं, फिंगरप्रिंट प्लस पिन को लगा सकते हैं एंड फिंगरप्रिंट प्लस पासवर्ड को लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपना फिंगरप्रिंट प्लस पैटर्न को लगाऊंगा तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आप पहले से पैटर्न लगाए रहेंगे तो आपको तीनों जो ऑप्शन पैटर्न पिन एंड पासवर्ड जो ऑप्शन है वो नहीं होगा, सिर्फ फिंगरप्रिंट दिखाई देगा। तो मैं यहाँ से कोई भी अब तक कोई भी पासवर्ड नहीं लगाया था या फिंगरप्रिंट पैटर्न कोई भी नहीं लगाया था तो यहाँ से मैं लगा लेता हूँ अपना। अब यहाँ से इसको लगाने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, फिर सब कुछ को टाइप करना है, फिर कंफर्म कर देना है। तो मैंने फिलहाल इसको कंफर्म कर लिया हूँ। अब आपको यहाँ पर शो आर नोटिफिकेशन कंटेंट मिलेगा। आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन को इनेबल करना चाहेंगे तो यहाँ से इसको कर लीजिएगा। मैंने इसको कर लिया हूँ। अब यहाँ से आ जाएंगे सेटअप योर फिंगरप्रिंट। तो मैं ऐसे अपने फिंगरप्रिंट को चलिए सेटअप कर लेता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो आइकन दिख रहा है वाला, इस आइकन पर आपको लॉन्ग प्रेस करता जाना है। तो मैं ऐसे चलिए कर लेता हूँ फिलहाल। सो गाइज मैंने यहाँ से अपना फिंगरप्रिंट को यहाँ पर पूरा ऐड कर लिया हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट एडेड हो चुका है। तो फिर आपको यहाँ पर डन कर देना है। अब डन करेंगे तो आप इस तरीके का इंटरफेस में आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे फिंगरप्रिंट लिस्ट में यहाँ से मैंने फिंगरप्रिंट को एक फिंगरप्रिंट को यहाँ पर ऐड किया हूँ। इसमें और भी फिंगरप्रिंट अगर ऐड करना चाहेंगे तो आपको ऐड फिंगरप्रिंट यहाँ से पर क्लिक करके यहाँ से यहाँ से और भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से एकदम सिंपल तरीके से इसमें फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। तो सो गाइज आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लिए बाय बाय।